नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। कनाडा में 5 लाख एकड़ में फैली आग हुई बेकाबू, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ा अपना घर। प्रशासन ने कहा आग बुझाने में लगेंगे कई महीने। चीन में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में 35 लोग लापता, 7 घायल। दक्षिणी फुजियन प्रांत का निर्माणाधीन हाइड्रो पावर स्टेशन डूबा, मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। ओडीए रिपोर्ट का खुलासा, नेपाल को मदद करने में चीन से पिछड़ा भारत। मदद करने वाले देशों में प्रथम 5 से हुआ भार, मदद में 50% से ज्यादा की गिरावट। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को कहा बेलगाम। ट्रंप की घोषित कई नीतियों को बताया चिंताजनक। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन पर साधा निशाना, कहा महिलाओं के खिलाफ अपने पति के दुर्व्यवहारों में अविश्वसनीय रूप से एक दुष्ट महिला रही हैं हिलेरी। पाक में शियाओं पर हमले का विरोध करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जकी की हत्या, सोशल मीडिया पर चलाते थे अभियान, तालिबान के हकीमुल्ला महसूद गुट ने ली हमले की जिम्मेदारी। बांग्लादेश की पाक को चेतावनी, आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे पाक। बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी के प्रमुख की मौत पर पाक ने जताई थी चिंता। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।